तिंदौरी तहसील में भारतीय किसान संघ द्वारा आज ज्ञापन दिवस के अवसर पर किसानों की समस्याओं को लेकर राजस्व कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके संबंध में सह मंत्री भगत सिंह राजपूत ने जानकारी देकर बताया है कि खरीफ की फसलों का अतिवृष्टि, आकलन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। प्रदेश में मक्का, ज्वार, बाजरा एवं तिल के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। बलराम तालाब योजना चालू की जाए। किसानों को 14 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन योजना शुरू की जाए एवं क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की मांग पूर्ण कर सभी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कृषि विषय की पढ़ाई को अनिवार्य किए जाने की भी बात रखी। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। चोरी से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।